उनकी प्राइस डिटेल के हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। संदीप भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और मालूमात लेते हैं कि प्राइमेक्स में इनके पास रेटिंग में इन्वर्टर कौन कौन से अवेलेबल है और उनकी प्राइस क्या है। संदीप भाई से बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम संदीप भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा संदीप भाई, आपके पास रेटिंग में प्राइमेक्स गैलेक्सी सीरीज में रेटिंग में कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है? सर प्राइमेक्स सीरीज में हमारे पास जो गैलेक्सी मॉडल के हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल है, जिसमें पीवी 5000 है, पीवी 6500 है, मजीद इसके मॉडल है 5 है, पीवी 7000 है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है अभी मार्केट में, ये सारे हमारे पास मौजूद है। अच्छा संदीप भाई, आप एक बंदा एक एसी चलाना चाहता है घर में, फ्रिज, इस्त्री, वाटर पंप, पंखे, लाइटें, मतलब एक छोटे घर के लिए आप कौन सा इन्वर्टर रिकमेंड करते हैं कि वो इन्वर्टर लगा के वो अपना ये सारा लोड मेंटेन कर सकता है, हैंडल कर सकता है सोलर पे? जी इमरान भाई, वो फिर इसका मॉडल है पीवी 5000 गैलेक्सी मॉडल में, ये बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है और ये विदाउट बैटरी भी चलता है, बैटरी के साथ भी चलता है, नेट मीटरिंग ऑप्शन भी इसके अंदर दी जाती है। पीवी 5000 4 किलो वाट ये लोड उठाता है, तो हम ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि जिसका घर का ये एक आपने बताया इसी फ्रिज, पानी की मोटर छोटे, जो एक डिसेंट घर का लोड है वो चलाने के लिए पीवी 5000 लगाए। अच्छा 4 किलो वाट का इन्वर्टर और उसके साथ कितने मिनिमम कितने पैनल लगा के इतना लोड हैंडल हो सकता है? मिनिमम तो उसके साथ आप 3 लगा सकते हैं जिससे वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने लोड इतना चलाना है एक एसी अगर आप चलाना चाहते हो तो 7 से 8 पैनल आप लगाएं, और अगर मजीद अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं तो फिर 8 से 10 लगा लें, उसमें ये होगा कि आपको बहुत अच्छी आउटपुट मिल जाएगी और आपका सारा काम जबरदस्त चलेगा। अच्छा संदीप भाई, इतने लोड के लिए ये जो सोलर सिस्टम है ये टोटल कितने में कॉस्ट करता है? टोटल में इसमें देखिए मटेरियल पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा मटेरियल लगाते हैं तो तकरीबन 3-4 लाख रुपया लग जाता है, और अगर नॉर्मल लगाते हैं तो वो तो फिर आप 2-2.5 लाख में भी चला सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा मटेरियल लगाते हैं। अच्छा संदीप भाई, स्टेप बाय स्टेप आप नागरिक को गाइड करें जो 3 किलोवाट की रेटिंग से, अब आप जितनी रेटिंग आपके पास अवेलेबल है उसकी प्राइस डिटेल क्या ये दिखा आप देख तो रहे हैं वीडियो में, इमरान भाई आप दिखा रहे हैं ये सारे मॉडल इस टाइम हमारे पास ये गैलेक्सी के पड़े हुए हैं, इसमें पीवी 6500 भी है जैसे मेरे बैग पे लगे पीवी 6500, इसमें पीवी 5000 भी है, पीवी 7000 भी है, और पीवी 5500 भी है, ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्राइमेक्स के, और जो कस्टमर को चाहिए होता है वो हम उसको दे देते हैं। अच्छा प्राइमेक्स में जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसकी डिटेल क्या है? 3.6 होता है यहाँ, उसमें आता है पीवी 4000 प्राइमेक्स गैलेक्सी मॉडल में, वो 3 किलोवाट लोड उठाता है, उसकी प्राइस है 1,25,000 गैलेक्सी मॉडल के अंदर, वो भी बिल्ट इन वाईफाई के साथ है, उसके बाद फिर 5000 आ जाता है पीवी 5000 3 किलोवाट के बाद 3.6 आता है। जी जी 3 किलोवाट के साथ पीवी 4000 है, पीवी 4000 है, और 3.6 किलोवाट के साथ 3.6 के साथ पीवी 5000 है। अच्छा 3 किलोवाट की क्या प्राइस है? 3 किलोवाट की मैंने बताई है पीवी 4000 1,25,000 रुपए का। अच्छा जो 3.6 किलोवाट में 3.6 वो पीवी 5000 आ जाता है, उसकी प्राइस 155 है, यानी कि 1,55,000 जी सर, उससे अब रेटिंग आपके उसके अब रेटिंग में फिर हमारे पास आ जाता है पीवी 5500 गैलेक्सी मॉडल में, उसकी जो लोड पावर है वो 4 किलोवाट है। अच्छा जैसे वो 3600 वाट का था पीवी 5000, तो ये मजीद ऊपर चला गया पीवी 5500, इसकी आउटपुट पावर 4000 वाट है, ठीक है, ये आपको मिलेगा 165 का। अच्छा ये टच स्क्रीन में आता है? जी टच स्क्रीन में, ये प्रो सीरीज में आ जाता है, जो गैलेक्सी प्रो होता है, एक गैलेक्सी सिंपल होता है, गैलेक्सी प्रो होता है, गैलेक्सी प्रो में इसका जो आपको फ्रंट डिस्प्ले मिलता है वो टच डिस्प्ले मिलता है और 8x8 इंच की उसकी एलसीडी होती है। अच्छा ये 5.6 किलोवाट में 48 वोल्ट ऑपरेटेड है? जी सर नहीं, 5. जो पीवी 5500 है ये भी 2 बैटरियों को सपोर्ट करता है, इससे जब अब हम चले जाएंगे 5.6 किलोवाट के अंदर, जो पीवी 6000 है, पीवी 7000 है, उसके लिए आपको 4 बैटरियां ऑपरेट करनी है। नहीं जो इसमें 6+ पीवी है, जो जी 6+ 6000+ प्रो में 6500 वाट है उसके साथ, नहीं नहीं जो 6000+ प्रो में सीरीज है गैलेक्सी की, जी जी वो 5.6 स्क्रीन में टच स्क्रीन 48 वोल्ट ऑपरेटेड। जो उसकी प्राइस क्या बताइए आपने? वो सर 175 का मिल जाएगा, 1,75,000। जी सर 1,75,000 सही। अच्छा 6 किलोवाट के 5.6 किलोवाट के बाद 6 किलोवाट की रेटिंग, 6 किलोवाट की रेटिंग आती है जो जिसका पीवी होती है 7000 और वो 6 किलोवाट पूरा ऑपरेट करता है, और वो भी प्रो सीरीज में या गैलेक्सी टच डिस्प्ले के साथ, उसकी प्राइस की बात की जाए तो वो 1,90,000 रुपए का यूनिट है। सही।
अच्छा, ये जो जितने भी प्राइमेक्स में जितनी सीरीज है जी जी प्राइमेक्स में, ये गैलेक्सी सीरीज जो है ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है जी सर सारी। सारे ये टोटली वोल्ट्रॉनिक है। इसमें इसमें जो पीवी वीनस प्लस सीरीज है का वो चाइना है। सर बिजनेस चाइना है, लेकिन कंपनी उसकी भी बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन इसके अंदर वोल्ट्रॉनिक बेस नहीं होती। वीनस के अंदर, गैलेक्सी के अंदर आपको वोल्ट्रॉनिक बेस मिलती है अच्छा, ये गैलेक्सी सीरीज सारी जो है ये वोल्ट्रॉनिक में जी आती सर है। सारी अच्छा, वोल्ट्रॉनिक। इनके साथ तो वारंटी कितनी मिलती है? वारंटी सर 5 ईयर होती है इसकी, जिसके अंदर 2 साल इसके पार्ट्स की दी जाती है और 3 ईयर सर्विस की दी जाती है। मीन टू से कि 2 साल के अंदर अंदर कोई मसला आता है इन्वर्टर में तो वो फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट ऑफ क्लियर कॉस्ट होगा होगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसमें मसला आता है तो जी जो जी को पार्ट्स खराब होगा वो उसके कस्टमर अंदर पे करेगा जी जी और और सर्विस सर्विस उसकी बिल्कुल फ्री फ्री होगी। होगी। बिल्कुल सर सही हो गया। अच्छा, इसी अबव रेटिंग में भी अबव बता दें। रेटिंग में फिर इसमें आता है PV 11,000, PV 75,000 भी पहले आता है, 7,000 के बाद 75,000 आता है, वो भी प्रो डिस्प्ले के अंदर होता है। उसमें ये फंक्शन है कि PV 7500 के अंदर के वो अपने साथ मजीद इन्वर्टर अटैच करता है। PV 7500 में ये खास किया था, उसकी प्राइस है 2,25,000 रुपए। और उसके बाद बात की जाए तो 8 किलोवाट का आता है PV 11,000, वो 8 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, उसकी प्राइस है 3,50,000 रुपए। और फिर 12,000 11 किलोवाट उसकी 4,50,000 रुपए। सही। अच्छा संदीप भाई, ये जितने भी इन्वर्टर हैं प्राइमेक्स में गैलेक्सी सीरीज में आते हैं, जी। सही। अच्छा, इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? आफ्टर सेल सर्विस इसकी इस तरह ही है कि अगर आपने अगर अच्छा एक बार लगा लिया तो जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी कि उसको आप सेल करें, क्योंकि कंपनी ऐसी है नहीं कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज अगर कुछ भी मसला आ नहीं जाता है, जी ठीक है, तो इसकी दोबारा मसला होता है इन्वर्टर रिपेयरिंग में, वो किस जी तरह जी का बिल्कुल। सीन वो रिपेयरिंग की बात की जाए तो सर इसमें बहुत अच्छी इसकी इनके जो सर्विस सेंटर है उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है इंशाल्लाह। अगर आपको अगर अल्लाह ना करे कभी मसला है अगर आ जाता है तो वो कुछ दिन में आपका मसला हल करके आपको पीछे रिफंड कर देते है? संदीप भाई, देखने में आया ना कि आफ्टर सेल सर्विस कोई ऐसे इन्वर्टर भी है जो अगर कोई मसला आ जाता है जी तो जी एक तो उनका जो रवैया होता है बहुत रूडली रवैया होता है। नहीं सर वो इस तरह है कि जो लोकल कंपनी है उनके अंदर जिनके अंदर कंप्लेन ज्यादा है उनके अंदर ऐसा मसला आता है, क्योंकि उनपे कंप्लेन का बहुत बर्डन आ जाता है। तो इस वजह से ये अच्छी कंपनी है, इसके अंदर कंप्लेन की रेशो कम है, तो जो कि कुछ 100 में से कोई 3-4-5% आ जाती है कंप्लेन, तो वो उनको भी किसी किस्म का मसला नहीं होता, इजीली वो सोल्व कर देते। मीन टू से कि इनका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, जी जी मतलब है ये नहीं कि इन्वर्टर सेल आउट हो गया उसके बाद अगर खुदा ना खासा इन्वर्टर में मसला आता है तो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो मतलब कि आपका मसला फौरी हल हो जाता है। अच्छा संदीप भाई, कोई मेरा व्यूअर आपकी शॉप का विजिट करना चाहता है, यहाँ पे आना चाहता है, तरीका करके है उसका तरीकेकार यही है कि अगर वो लोग होर से है तो हाल रोड में तशरीफ ले आए, हाल रोड में हमारी शॉप है, खलील सेंटर के अंदर इब्राहिम ट्रेडर्स, इसके अलावा भी हमारी 2-3 शॉप्स हैं, तो जो इधर हम विजिट करें हमारे पास आके और इंशाल्लाह चीज लेके जाए। अच्छा, कोई आउट ऑफ सिटी है तो वो किस तरह से? आउट ऑफ सिटी में फिर यही है कि हम उसको अपना अकाउंट शेयर करते हैं, वो व्हाट्सएप पे रब्ता करके तो वो पेमेंट करते हैं, हम उनको डिलीवर कर देते हैं। सही, मतलब कि कोई आउट ऑफ सिटी है वो फर्स्ट आपको फुल पेमेंट जी जी बिल्कुल ऐसी है सेंड करेगा, मतलब कोई भी चीज वो लेना चाहता है हाँ जी उसकी फुल पेमेंट पहले फुल सेंड होगी, उसके बाद आप हम उसको डिलीवर कर देंगे जिस एड्रेस पे बिल्डिंग लगवा देंगे। जी सर बिल्कुल ऐसी होता है। सही, तो नाजरीन संदीप भाई का नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे व्हाट्सएप या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोलर से रिलेटेड कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो इनके पास सोलर से रिलेटेड तमाम चीजें अवेलेबल है। आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।